सबसे पहले मैंने यहाँ पर गॉर्जस्मी की आई शेडो पैलेट ली है इसमें से मैं दो ब्राउन शेड यहाँ पे मिक्स करूँगी अपनी आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रो कोम कर लिया है मैंने अच्छे से एंगुलर ब्रश लिया है और मिडल से स्टार्ट करेंगे अपनी आईब्रो को फिल करना और पीछे की तरफ जाएंगे फिर फ्रंट में फिल करेंगे फ्रंट से कभी स्टार्ट नहीं करते अपने आईब्रो को फिल करना ओके फिर से कोम कर लेंगे अच्छे से अपने आईब्रो को सब कुछ ब्लेंडेड दिखना चाहिए नेक्स्ट हेरम टेकिंग मेकअप स्टूडियो कंसीलर इसमें से सबसे लाइटेस्ट शेड लूँगी कंसीलर की कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसको आईलिड पे अप्लाई कर लेंगे अच्छे से और साथ में फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँगी एब्स्ट्रैक्शन यू कैन भी की आई शेडो पैलेट ये है और इसमें से ब्लैक आई शेडो पिक करूँगी और ये बहुत ही ब्रिटी आई शेडो पैलेट है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिपस्टिक ब्रश लिया है और लिपस्टिक ब्रश की हेल्प से ना मैं यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ कर लेने वाली हूँ और अपने आउटर कॉर्नर तक मैं इस कट क्रीज को ना ब्लैक आई से ही फिल कर लूँगी अपनी आईज़ के आउटर कॉर्नर तक ठीक है और अपनी पूरी आईज़ पे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के पिगमेंट यूज़ करूँगी ब्रश क्लीन करना ना भूलें ब्रश क्लीन करें और ये दो डार्क ग्रीन कलर के पिगमेंट मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ और इसी को इसी से मैं अपनी आईज़ को फिल कर लूँगी अच्छे से नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक में का मेकअप रिमूवर और थोड़ी सी फिनिशिंग दे रही हूँ अपनी आई लुक को नेक्स्ट इधर मैंने लिया है टू वे जेल मिस क्लेयर का और ग्लिटर ग्लू और फ्लैट ब्रश ऑफ कोर्स ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर लेंगे और अपनी ग्रीन कलर की ग्लिटर आराम से अप्लाई हो जाती है बहुत अप्लाई कर लेंगे और हमेशा ग्लिटर अप्लाई करने से पहले आपको सेम कलर का पिगमेंट अप्लाई करना होता है ये चीज़ ध्यान में रखें ठीक है नहीं तो ग्लिटर की फिनिशिंग नहीं आएगी फिनिशिंग दे दी है मैंने कंसीलर से थोड़ा सा अपनी आई लुक को अब मैंने लिया है मार्स का यहाँ पे लिपस्टिक इससे हम लोग अपनी आइस को स्मज करेंगे स्मज ही लुक देंगे थोड़ा सा जो आप काजल से करते हो वो मैं यहाँ पे लिपस्टिक से करने वाली हूँ एज अ आई लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है लिपस्टिक लॉक कर लेंगे अच्छे से ब्लैक आई शेडो से और ब्लेंडिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैक का वन टू सिक्स ब्लेंडिंग ब्रश है उससे मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है और बहुत आराम से हो गया था सब कुछ बेस की तरफ चलते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर लिया है हर्स ब्यूटी का नाउ दिस प्राइमर स्पेसिफिकली फॉर ड्राई स्किन टाइप और अच्छे से इस प्राइमर को अप्लाई कर लेंगे मेरी ऑयली स्किन है बट अभी विंटर के सीज़न में थोड़ी सी ड्राई हो रखी थी दैट्स वाई मैंने ये वाला प्राइमर यूज़ किया है अब हाइड करेंगे अपने डार्क सर्कुलर पिगमेंटेशन जिसके लिए मैंने यहाँ पे फरे फिफ्टी टू का फाउंडेशन लिया है इन शेड जीरो जीरो थ्री और ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर सारी ब्लेंडिंग करने वाली हूँ अंडर आइज से स्टार्ट करेंगे मेरी शेड से काफ़ी डार्क है ये फाउंडेशन तो इससे अच्छे से मेरे पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल हाइड हो जाते हैं प्लस फुल कवरेज फाउंडेशन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती बहुत इजीली सब कुछ हाइड हो जाता है ठीक है लैक में मैंने मिक्स किया है नेक्स्ट इसी ही फ्रे 52 के फाउंडेशन में शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमे का वो आइवरी शेड है यहाँ पे और डॉट डॉट करके अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और अगेन इसको ब्रश से ब्लेंड करूँगी आई डोंट नो भाई मैं आजकल ब्यूटी ब्लेंडर बहुत कम यूज़ कर रही हूँ ब्रश से ही सारी ब्लेंडिंग कर लेती हूँ सो येस और ये ब्रश भी बहुत अच्छा है कोई लाइंस नहीं आती मेरे को ब्लेंडिंग करते टाइम बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है सब कुछ दोनों लिक्विड फाउंडेशन थे तो ब्लेंडिंग होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगी बहुत आराम से हो गया था नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पाउडर लॉकिंग की तरफ पाउडर लॉकिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्राइम सेट लूज़ पाउडर लिया है नो ये नो कलर पाउडर है इसमें कोई कलर नहीं है सबसे पहले ब्लेंड आउट कर लूँगी अंडर आइज अच्छे से ताकि कोई क्रीजिंग ना रहे और फिर लॉक कर लूँगी और पूरे फेस के लिए यहाँ पे मैंने बड़ा पाउडर लॉकिंग ब्रश यूज़ किया है एक बेग पाउडर लॉकिंग ब्रश और लॉक कर लेंगे अच्छे से सारा फेस इसी ब्रश से करेंगे कॉन्टॉरिंग कॉन्टोरिंग के लिए आई मैजिक की मैं पैलेट ले रही हूँ और इसी से ही कॉन्टोरिंग करेंगे चीक्स की कॉन्टोरिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होगी आपकी नेक्स्ट फोरहेड की कॉन्टोरिंग वैसे मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ बट मैंने बहुत ही हल्की सी फोरहेड की कॉन्टोरिंग भी करी थी जॉ लाइन की कॉन्टोरिंग कर लेंगे हमेशा डाउनवर्ड्स ब्लेंड होता है जॉ लाइन की कॉन्टोरिंग और नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए मैंने आप पे स्मॉल एंगुलर ब्रश लिया है और ये ब्रश बिल्कुल लोकल है मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था डाउनवर्ड्स इसकी कॉन्ट्रिंग ब्लेंड होती है नोस की फॉर ब्लश आई एम यूजिंग ब्लूम स्विस ब्यूटी की पैलेट है ये ब्लूम पैलेट और ब्रश अगेन मैं सेम यूज़ कर रही हूँ बट क्लीन करके टिशू पेपर से ठीक है टिशू पेपर से आपको क्लीन करके ही यूज़ करना है ब्रश नहीं तो पहले वाला प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा वही लग जाएगा जो पहले लगा हुआ था फो हाईलाइटर है एम यूजिंग हिलेरी रोडा हाईलाइटर पैलेट फैन ब्रश लिया है यहाँ पे और हाईलाइट कर लेंगे हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे अच्छे से और बहुत ही प्रिटी हाईलाइटर है आप लोगों को पता ही है मेरा फेवरेट हाईलाइटर है ये फिनिशिंग बहुत अच्छी देता है नेक्स्ट अंडर आईज़ के लिए हम लोगों ने फिर से मार्स की ही पैलेट यहाँ पे ली है मैंने इसमें से ब्लैक लिपस्टिक पिक करी है वो अप्लाई करी है उसको लॉक किया है अच्छे से ब्लैक कलर के आई शेडो से और पैक का यहाँ पे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और ब्लेंडिंग कर ली है ठीक है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है सब कुछ आ, इस स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ये आप अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड करो ये पैक का वन टू सिक्स ब्रश है नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे पिगमेंट लूँगी सबसे पहले ग्रीन जैसे मैंने अपनी आइस पे पहले पिगमेंट लिया था और अप्लाई कर लूँगी उसके बाद टू वे जेल ले रही हूँ और ग्लिटर ले रही हूँ बहुत ही ध्यान से आपको ग्लिटर अप्लाई करनी है जेल अप्लाई कर लेना है टू वे जेल और ग्लिटर अप्लाई कर लेनी है ठीक है ध्यान रखना आपको बड़े ब्रश से आपने काम नहीं करने छोटे ब्रश से ही ये डिटेलिंग करनी है फॉर माई वॉटर लाइन एम यूजिंग लैकमे काजल लिपस्टिक की तरफ चलते हैं लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैंने मार्स की एकदम न्यू लिपस्टिक है ये जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कुछ लगाया है एकदम मेरी मतलब स्किन के साथ मैच मर्ज हो जाएगा ये शेड क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी हैवी आइस करी थी तो इसलिए मैंने लिपस्टिक बिल्कुल न्यूड ली है और उसके ऊपर मैंने बेबी लिप्स अप्लाई कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश चाहिए थी ना दिस इज़ इट फॉर द डे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू गाइज विल लाइक दिस लुक डू शेयर डू लाइक एंड कॉमेंट बाय